अगर आप लोगों को जॉन विक जैसी मज़ेदार एक्शन मूवीज़ देखनी है तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले नंबर 5 पे है नोबडी, और ये मूवी हच मैंसल नाम के एक फैमिली मैन के बारे में है जिसकी ज़िंदगी एक खतरनाक चेंज तब लेती है जब उसके घर में कुछ चोर घुस आते हैं और उसकी फैमिली को थ्रेटन करते हैं, पर वो अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए उन चोरों पर हमला नहीं करता और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है और इसके कारण उसकी फैमिली उसे रिस्पेक्ट करना बंद कर देती है। पर फिर भी हच शांत रहता है, पर हच का सब्र तब टूट जाता है जब उसे ये पता चलता है कि उसकी बेटी का ब्रेसलेट चोर अपने साथ ही ले गए हैं और अब वो अपनी पुरानी कॉम्बैट स्किल्स की हेल्प से उन चोरों से बदला लेने के लिए निकल जाता है। अब आगे की मूवी हच के रिवेंज के बारे में है। अगर आपको खून खराबे वाली मूवी पसंद है तो आपको ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। इस मूवी के मेन कैरेक्टर बॉब ओडेनकर्क हैं जो हच मैंसल का रोल प्ले कर रहे हैं। नंबर 4 पे है बुलेट ट्रेन, और ये मूवी कुछ प्रोफेशनल असैसिन्स के बारे में है जो टोक्यो से एक बुलेट ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और हर असैसिन अपने अलग मिशन के साथ होता है, पर वो सभी एक दूसरे से तब टकराते जब उन्हें ये पता चलता है कि इन सभी का टारगेट एक ही इंसान है और इसी के कारण वो सब आपस में उस टारगेट को मारने के लिए लड़ने लगते हैं। और इसी दौरान हमें मूवी के कैरेक्टर्स की स्टोरी भी पता चलती है और उनके आपस के कनेक्शन में भी बताया जाता है कि कैसे वो सभी असैसिन एक ही ट्रेन में आ जाते हैं। ये मूवी अपने फास्ट पेस्ड एक्शन और बहुत सारे खून खराबे के लिए फेमस है, और इस मूवी में आपको बहुत सारे कॉमेडी सीन्स भी देखने को मिलेंगे। इस मूवी के मेन कैरेक्टर ब्रैड पिट हैं जो लेडी बग का रोल प्ले कर रहे हैं। नंबर 3 पे है द इक्वलाइजर, और ये मूवी रॉबर्ट मैकेल नाम के हार्डवेयर स्टोर के एम्प्लॉय के बारे में है जिसकी पुरानी कॉम्बैट स्किल्स हमें तब देखने को मिलती है जब वो टेरी नाम की प्रोस्टिट्यूट से मिलता है और उसकी हेल्प करता है। टेरी को रशियन गैंगस्टर्स जबरदस्ती कंट्रोल कर रहे होते हैं और अब रॉबर्ट अपनी कॉम्बैट स्किल्स की हेल्प से रशियन गैंगस्टर से लड़ता है और उन लोगों को प्रोटेक्ट करता है जो बेसहारा होते हैं और गैंगस्टर के चंगुल में फंसे होते हैं, और इसी के कारण लोग उसे द इक्वलाइजर भी बोलने लगते हैं। इस मूवी में आपको ऐसे एक्शन सीन देखने को मिलेंगे जो दिखने में तो आसान लगते हैं पर उन्हें कर पाना उतना ही मुश्किल होता है। और इस मूवी के मेन कैरेक्टर डेंजल वॉशिंगटन हैं जो रॉबर्ट मैकेल का रोल प्ले कर रहे हैं। नंबर 2 पे है द अकाउंटेंट, और ये मूवी क्रिश्चियन वुल्फ नाम के फ्रीलांसर फॉरेंसिक अकाउंटेंट के बारे में है जो एक मैथ जीनियस होने के साथ साथ एक हाई फंक्शनिंग ऑटिस्टिक भी है। और क्रिश्चियन को एक दिन एक लीगल रोबोटिक्स कंपनी में करप्शन मिलता है और जब वो उस कंपनी के बारे में रिसर्च करता है तब उसके पीछे असैसिन्स पड़ जाते हैं। अब क्रिश्चियन अपने एक फ्रेंड के साथ मिलकर और अपनी कॉम्बैट स्किल की हेल्प से उन लोगों के पीछे लग जाते हैं जो उसे मारना चाहते हैं, और साथ में क्रिश्चियन के ऊपर उस कंपनी की इलीगल एक्टिविटीज़ को पब्लिक में लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। इस मूवी के मेन कैरेक्टर बेन एफ्लेक हैं जो क्रिश्चियन वुल्फ का रोल प्ले कर रहे हैं। और फाइनली नंबर 1 पे है टेकन, और ये मूवी एक रिटायर्ड CIA ऑपरेटिव ब्रायन मिल्स के बारे में है जो अपनी डॉटर किम के साथ अपने रिलेशन को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा होता है, पर ब्रायन और उसकी बेटी की लाइफ तब बदल जाती है जब किम अपनी बेस्ट फ्रेंड अमेंडा के साथ पेरिस जाती है और वहाँ पर उसे कुछ ह्यूमन ट्रैफिकर्स किडनैप कर लेते हैं, और अब ब्रायन को अपनी स्पेशल स्किल की हेल्प से उन ट्रैफिकर्स को ट्रैक करना होगा और अपनी बेटी किम को वापस लाना होगा। अगर आपको हैंड टू हैंड कॉम्बैट गन फाइट्स और खून खराबा पसंद है तो ये मूवी आपके लिए है। इस मूवी के मेन कैरेक्टर लियम नीसन है जो ब्रायन मिल्स का रोल प्ले कर रहे हैं।